सत्संग, सत क्या और संग क्या है? सत्य एक ही है और उसका संग भी है। तो आपके अंदर वो सत्य जो है वो न किसी मंदिर में है न किसी मस्जिद में, वो धन्य स्थान बैठ के हम लोग उधर पूजा पाठ करते हैं, पवित्र स्थान बनाए वो सत्य आप में, आप में जो बोल रहा है उसी वही सत्य है। और संग अगर आपने करना है, जानना है उसको, तो आप अंदर ही से जान दो, कई बार की बात नहीं, कोई अनुभवी आदमी हो जो जानता हो वो तरीका बता देगा। पर कब कब बताए कि पहले हमारी यह दुनिया बन जाए, हमारे पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान हो, यह सुविधा जरूरी है आदमी के लिए। वो अपनी अस्थि सारू है, एक सेठ है तो सेठ बड़ा होना चाहिए, एक बड़ा ऑफिसर है तो उसकी तरह से होना चाहिए, और एक साधारण आदमी तो साधारण होना चाहिए। अपनी अस्थि सारू सबको जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो। अगर आप बड़ा आदमी है तो उसके पास 15-20 कुर्सियाँ होंगी साथ, तो कई लोग आ जाते हैं, और छोटा आदमी है तो एक दो कुर्सी तो एक पास दूसरे को बैठा दें, हम एक चार पाई तो हसब के पास है ही, और दूसरी कम से कम दो तो चार पाई रखनी चाहिए कोई मेहमान आ जाए। तो आजकल तो खैर इधर बड़े हैं सब के सब, ये क्या कहते हैं, घर बने हुए हैं जिनके सामान मिल जाता है और दियाते हैं। पर गांव के अंदर ये परिपरि नहीं थी, भारत गांव का गांव है तो उसके अंदर इतना होना चाहिए आपके पास में। इसको कबीर साहब ने से कहा, साई इतना दीजिए जा में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी उन्होंने कहा मेरे को इतना मिले जो मैं भी भूखा न रहूं और मेरे पास जो आने वाले आदमी हैं सभी साधु था। कबीर के पास तो साधु आते थे, हमारे पास तो गृहस्थी आएंगे, हमारा रिश्तेदार भाई दुआई रिश्तेदार वो आएंगे, तो उनके लिए जगह होनी चाहिए, समझे कि नहीं। साधु तो कबीर साहब के लिए था, और अभी आपके लिए रास्ता खुला, पर ये रास्ता खुला नहीं था, पर खास खास आदमियों के लिए था। अभी आम आदमी आ रहा सत्य का लाभ उठाओ, जैसे भारत में आज़ादी आई ने ऐसे ही परमात्मा ने भी इस कलयुग में आज़ादी कर दी। कि पहले था जाति पाति का भेद था कि वो शूद्र शब्द नहीं सुन सकते थे, जा नहीं सकते थे, और अभी जो कलयुग के अंदर संत हुए हैं जिसको शूद्र कहते थे वो पूज्य हैं सब, कबीर साहब हैं, गुरु नानक हैं, पलटू दादू रायदास। तो अभी इस कलयुग का जो धर्म है वो ये है, कलयुग कर्म धर्म नहीं भाई, नाम बिना निस्तार न होई। कलयुग के अंदर और जो कर्मकांड को छोड़ दो, केवल नाम ले लो, और वो नाम आपके अंदर है, वो नाम आपके अंदर है, बोलता वही है, उसी को जानना है। तो इसके लिए आप तैयार नहीं हो क्या है? मैं यही बताता आपको भी, मेरा काम यही बताने का है कि आपके अंदर वो कैसे है और कैसे आप उसको पा सकते हो, ये विधि बताता हूँ। पर बताऊँ किसको, कि जो इसके लिए आया हो, इच्छा रखता है कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊँ, ये क्या बोलने वाला ये है, तो उसको मैं बताऊँ। अभी आप तो, हम तो घर में उलझे हुए हैं, हम तो दुनिया में उलझे हुए हैं, किसी को शारीरिक तकलीफ है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को आर्थिक परेशानी है, यानी श्लोक की परेशानियाँ उलझे हुए हैं। अरे परेशानी क्या है, ये परेशानी के लिए अलग एक सत्संग है, वो आज मैं दूंगा नहीं आपको। वो सत्संग है कि ये कर्जे का लोक है, संत कहते हैं ये कर्जे का है, पहले जिसको किया हुआ उसका बदला लेने के लिए आए हैं। किसी को दुख दिया वो दुख देने के लिए आ गया, सुख दिया वो सुख देने के लिए आ गया, सेवा करिए वो सेवा करने के लिए आ गया, धोखा दिया वो धोखा देने के लिए आ गया। यानी कर्जे का है ये लोग, जो संत कहते हैं कि ये लोग कर्जे का है, पिछले जन्मों में जो हमने किया था वो जो कर्म लेके आए चुकाने के लिए, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध कर्म है जो भोगने के लिए आए। तो अब ये हम आए तो उस काम के लिए हैं, और वो मैं आपको बात बताऊँ, उधर चलो ऊपर है तो बात गड़बड़ है, तो मैं आपको ये बताऊँगा। पहले जो बता रहे थे कि तकलीफ क्या है, दुख क्या है, एक बड़ी मोटी बात, मोटी बात है, कोई दुख नहीं चाहता, नहीं चाहते ना, तो दुख क्या है और सुख क्या है। सुख तो आप सब जानते हो, हंसते हैं बोलते हैं खुशी रहते हैं, उमंग होती है, और दुख के अंदर में निराशा होती है, जो हमारे मन के इच्छा करते हैं ये हो जाए वो नहीं होता। मन के प्रतिकूल घटना घटती है वो तो हमारा दुख है, और मन के अनुकूल जो घटना घटती है वो सुख। बात आ गई ना समझो, छोटी सी बात है कि आप जो हम चाहते हैं वो हो गया, बिजनेस करते हो आप चाहते खूब मुनाफा होया, आप खुश हैं, दान पुण्य भी करते हो खुश हो, और बिजनेस में पैसे लगा दिए और वो पैसे भी डूब गए बिल्कुल, वो भी नहीं, और तकलीफ होगी, दुखी होगे। किसी बेटे को पढ़ाना चाहते हो, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, बेटा नहीं पढ़ता, मतलब जो कुछ करते हो, कुछ ऐसा रोग लग गया जिसका डॉक्टर से डायग्नोसिस नहीं होता, डॉक्टर देते दवाई देते जाओ जाओ उसके पास जाओ उसके पास जाओ उसके पास जाओ, मतलब जो मन के प्रतिकूल घटना घटती है वो तो है दुख, और मन के अनुकूल जो घटना जो हम चाहते हैं वैसे हो जाए तो सुख खुशी। आगे नहीं समझ बात। तो हम लोग कुछ कर्म लेके आए हैं वो हमको पता नहीं, इधर
कुछ तो किसी को दुख दिया वो दुख दे रहा है, और सुख दिया वो सुख दे रहा है, कोई हमारी सेवा कर रहा है और कोई हमारी बुराई कर रहा है, आप समझे ना। तो वो पीछे का देने देने का चक्कर है, उसका हमको ज्ञान नहीं। ये कभी सत्संग का मौका आएगा तो मैं ये सत्संग करा दूंगा, अपना आज मैं वो दुख वाली बात बताता हूँ, क्यों चाहता हूँ दुख दूर हो जाए जल्दी से, आपको दुख नहीं रहे। पहले का जो दे क्या है वो तो भोगना है, वो तो नुता गाला है, वो तो आपने निकालना है। पर अब जो फालतू जो टाइम रहती है उसके अंदर आप जो कर्म बनाए कैसे बना दें, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना बनना, वो कर्म है क्या। सुबह से शाम तक एक विचार आता है चला जाता है, दूसरा विचार आया चला गया, तीसरा चौथा विचार पर आप रुक गए कि कल उसने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे बातें करी थी और उसको ये करूँगा, उसको ये करूँगा, उसको ये करूँगा, विचार करने लगे। एक विचार पर रुक जाते हो और विचार आया चला गया, एक बार आया चला गया, कोई उसके दोस्त नहीं, विचारों की हमारी ज़िंदगी है। लेकिन जिस विचार पर रुक जाते हो और रुक करके ईर्ष्या होती है आपको, द्वेष होता है, नफरत होती है, आप समझे ना, वो विचार जो आप ये सोचते उसके साथ ये करूँगा, उसका ये करूँगा, उसका ये करूँगा बुरा, वो विचार कर्म बन जाता है घटिया, और उसका फल जो मिलेगा मन के प्रतिकूल होगा। चाहे संबंधी के प्रति और पति पत्नी से ले लो, गृहस्थी है तो गृहस्थी में पति पत्नी घर के अंदर रहते हैं, खुश रहते हैं, खूब राजी राजी रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। एक दिन पति ने कोई बात कह दी पत्नी को कि आपका भाई ऐसे करता था, या आपके पिताजी ऐसे करते थे, या आपकी माँ ऐसे करती थी, अब फट गुस्सा आ गया कि मेरी माँ का नाम लिया, मेरे बाप का लिया, मेरा बाप ऐसे थोड़े था। अब पत्नी कहेगी नहीं, कुड़ेगी मनी मन, सोचते मेरे पिताजी का नाम लिया, इन्हें ये लिया, इनका पिताजी क्या नहीं अच्छा करता था, इनका पिताजी ऐसे करता था, इनकी माँ ऐसे करती, वो सोचोगे। वो विचार रेडियो वेव की तरह रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चला जाता है। ये साइंस बताती है आज की कि आपने सबके अंदर से धारें निकलती हैं, अंदर से जो विचार होते हैं विचारधारा, और वो ऊपर विचार जाते रहते हैं आते रहते हैं, तो वो जो अच्छे विचार होते हैं उनसे तो अच्छे कर्म बन जाते हैं, और घटिया होते हैं घटिया बन जाते हैं। तो जो हमारा ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे पति के प्रति सोचो, चाहे बाप के प्रति सोचो, चाहे बहू के प्रति सोचो, चाहे सास के प्रति सोचो, जो घरों में थोड़ी देर के लिए गुस्से में सोचते हैं वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वो जब वापस आएंगे ड्यू कोर्स उसका उचित समय होता है आएंगे, उस वक्त आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। समझ आ गई। गुस्से से जो भी विचार सोचते होते हैं, माँ के लिए, बाप के लिए सोचो, पति के लिए सोचो, मैं पहली घर की बात बताता हूँ, गृहस्थी है ना, तो मैं साधु वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप आए हो ना तो मैं आप पर गृहस्थी है तो घरवाले की बात कर रहा हूँ कि घर में सास के साथ नाराजी होगी और आप गुस्से सोचते हो किसी ने ये मेरा कहा और आपकी उस बहू को तो ये डाला मेरे को नहीं डाला, बेटी को अच्छा घी डाला मेरे को नहीं डाला खाना, मेरे को कम डाला, या मेरे को ये कहा मेरे लिए ये किया, वो जो ईर्ष्या का विचार होगा आपका वो ब्रह्मांड में चल जाएगा चुपचाप, बस सोचती रहेगी और विचार ऊपर चल जाएगी, और विचार जाके किसी खास लहर के पास ठहर करके उचित समय पर जब वापस आएगा तो वो घटिया कर्म बन के आएगा, क्या बन के आएगा, आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। ये दुख पूरे गांव को है, आपके पूरे भाद्रगढ़ के लोग मेरी बात सुन लें, ये ऑफिसर जितने भी हैं, कलेक्टर साहब हैं, जजेज हैं, सब सबको ये बीमारी है, सब इससे दुख से दुखी हैं, सबके घर में किसी को थोड़ा दर्द है, किसी को ज़्यादा है, आपस में लड़ाई नाराजगी का दर्द है, और वो है तो बड़े आदमी वो थोड़ा अच्छा सोचते हैं तो उनको थोड़ा सुख है और बाकी को घाटा रहता है। ये तकलीफ है, दुख तकलीफ किसकी है, आपका विचारों रोजाना सोचते हो, सुबह शाम कपड़े धोने लग रही और कोई बात आ गई, कल सास ने ये कही थी, हाँ देख बातें करते जाती हो, सोचती जाती हो कि इसने ये कहा, मौका रखा, मैं कहूँगा आपकी बेटी भी ऐसे करते, आपका ये करता है, वो विचार ऊपर चले जाते हैं, और जब वो आते हैं तो घर के अंदर बेटी और भाइयों परेशानी लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं, सबको ये दुख है, इसके अंदर कोई बच्चा नहीं, राष्ट्रपति से लेकर के चपड़ासी तक ये दुख से दुखी है, ज्ञान नहीं है न राष्ट्रपति साहब को इसका न चपड़ासी को। ये क्यों कह रहा हूँ, इसे कहता हूँ, पहले राष्ट्रपति के पास में 2 साल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद बन के आए, और उसके बाद 1.5 साल में फिर रहा हूँ, मैं सेना का ऑफिसर हूँ तो मेरी गार्ड्स वहाँ पर ड्यूटी पर थे, राष्ट्रपति बनूँ तो पहले राष्ट्रपति के पास में रहा तो उसको देखता था, जो वो लोग उनसे बात करते थे, अपने अफसरों से बात, नेताओं से बात, विदेशी जो आते थे उनसे बात करते थे, थी अच्छे आदमी थे, चरखा काटते थे, बहुत भले आदमी थे, लेकिन जब उनको दमे का रोग आता था, ऐसे सांस रुकता था तो कपड़े काट के फेंक देते थे, वैसे बहुत, और उसके पीए पैर जो लग करके उनके कपड़े पर आते थे, तो मैं सोचता राष्ट्रपति इतना बड़ा आदमी, इनको भी दुख, तो उनको क्यों था दुख, ये बीमारी उनमें भी थी, वो भी किसी के लिए बुरा सोचा होगा, कभी कोई सोचता रहा होगा, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, किसी दूसरी पार्टी के प्रति सोचता रहा होगा, आजकल पार्टी के नेता होते हैं ना, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी के प्रति बुरा सोचेगा वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं घरेलू बात आपसे कर रहा हूँ कि घर के अंदर सुख चाहते हो
तो एक ये नहीं बदल दो सोच की, जो सोचो अच्छा सोचो, और घटिया आएगा तो काट दो। और क्यों सोचता हूँ, तकलीफ आएगी कोई ना कोई, क्यों सोचो, करेगा सो भरेगा, सास करेगी सास करे बोएगी भूख करेगी भूख बरतेगी, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों नाराज हूँ। आप समझेगे नहीं, सास ने कुछ कड़ी बात कह दी या बहू ने कुछ कह दी, तो उस वक्त आपको ये ज्ञान आ जाए, मेरे वाले बात याद आ जाए, इसका नाम गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। ये बात याद आ गई कि वो कैप्टन ने जैसे कहा था कि सोचोगे वही होगा, तो तू सास के लिए क्यों सोचें, जो करेगा पाएगा, या दौरानी तेरे लिए बुरा चाहती है वो पाएगी, जो करेगा सो भरेगा, आपको कोई दोष नहीं है। इसके लिए पहले महात्माओं ने ऐसे कह दिया, कबीर साहब ने, जो तो को कांटा बोए ताहे को तू फूल, तो को फूल के फूल है वाह को तरसूल, कि जो तेरे रास्ते में कांटा बिछाए तू उसके रास्ते में फूल बिछा दे, तेरे को तो फूल मिल जाएंगे और उसको कांटा, ऐसे कह के बंद कर दिया, खोल नहीं बताया उन्होंने अपना मतलब क्या इशारा करे साधुओं के लिए, अच्छे आदमी के लिए, और मैं आपका गृहस्थी आदमी हूँ, मैं समझता नहीं बात को, इसे मैं खोल के बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी मेरे भाई बहन जो हैं ये समझेंगे नहीं इस बात को, इसे मैं रोज़ रोज़ की बात बताता हूँ, अगर सुख चाहते हो तो क्या क्या मन का अनुकूल बात हो, तो इसके लिए कर्म बना लो, क्या बना लो, क्या व्रत कर लो, बड़ा हज़ार व्रत के बराबर एक व्रत है कि आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं, जो करेगा सो भरेगा, जो आपका पड़ोसी आपकी निंदा करता है वो पाएगा, आपके ऐप ले लेगा वो, आपका कोई बुरा करता है तो कुछ ही करो, और आप किसी का बुरा नहीं चाहते आपका कोई तकलीफ नहीं होगी, क्या बात है इसमें। बात यह है कि वो विचार जो रखता बुरा रहा आप रखते हो अच्छा, आप तो सबका भला चाहते हो कि भगवान सबको सदमति दे, और कोई आदमी आपका बुरा करता है सोचते हैं प्रभु इनको सदमति दे अच्छी अक्ल दो ताकि ये गलत काम ना करे, और वो चाहता है कि ये मर जाए किस तरह से, इसका नुकसान हो जाए, इसका ये हो जाए वो हो जाए, तो वो विचार उसी के ऊपर जाएगा, उसी को तकलीफ देगा, यानी जो जो उसी को देगा। इसके रामायण में भी एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास भी इतना ही लिखा है, वो कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में सुमति अच्छे विचार हैं, एक दूसरे को देख के खुश होता है, सब खुश हैं, तो उसमें संपत्ति नाना तरह तरह की संपत्ति, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब कुछ होगा। और जहाँ कुमति रूस से बैठा बहू रूस की है, बेटा रूसिया बैठा है, घराड़ी मार कर उसकी कोई नाराज से, जब रूसिया वो आदमी बुरा रूठिया वो आदमी बुरा सोचेगा, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है, तो वहाँ कुमति विपत्ति विपत्ति आएगी, एक मुसीबत गई दूसरी आ गई, दूसरी गई तीसरी आ गई, मुसीबत पर मुसीबत आएंगी वहाँ आइए सर। गोस्वामी जी ने इतना लिखी बोल दिया, सिर्फ कबीर साहब तो कह दिया, बाए पेट बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, लोगों को दिया तो दुख, तू सुख चाहता सुख कहाँ से मिलेगा तेरे को, इतना कही छोड़ दिया। वो स्वामी तुलसीदास ने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। इस बात को हर एक समझ नहीं सका, तो मैं चाहता हूँ मेरी बेटियों को भाइयों को सबको यह बात बता दूँ कि कोई दुख वाली चीज़ नहीं, आप ईश्वर से, ईश्वर कहीं है तो आपके अंदर है, हम महात्मा नहीं बताएंगे आपको, हम बताएं आप तो हमको चढ़ावा थोड़ी देंगे आके, अब कौन है जरा चढ़ावा मेरे को देख जाएगा, इधर मैं ये बात चाहता हूँ ना, कोई नहीं देगा, और क्या हम करते हैं, हम प्रसाद दिया तुम्हारे वो हो गया ना, वो चीज़ होगी ना तुम्हारी, तो फटाफट जाके दे दोगे, समझेगी बात, इसका क्या साबूत है, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, अपने देश में विदेशों में भी सबको, पढ़े लिखे आदमियों को है वो आपके पास, ये पढ़े बुकें पढ़ी ये आपको मैं दूंगा, सब के घर में बैठे बैठे बेटी पढ़े बहू पढ़े सास पढ़े ससुर पढ़े सब पढ़ो, और सब पढ़ो, चार बजे आपको पढ़ लो, 16 पुस्तक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ समझाओ, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर है, पढ़े लिखे आदमियों के लिए मेरा ज्ञान है, आम आदमी के लिए नहीं, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरे से पढ़वा लो, किसी बच्चे से पढ़ के सुन लो, तो इन पुस्तकों में मैंने दिख दिया है कि आपको कोई दुख वाली चीज़ है नहीं, विचार हैं, और विचार से दुख बनते हैं, जो घटिया विचार करते हो उससे तो आपको दुख आएगा, घटिया सोचते हो पति के लिए पत्नी के लिए, अगर रूस करके नाराजगी में थोड़ी देर सोचोगे उसके घटिया कर्म बन जाएंगे और वो आऊँगी जब आप दुखी हो जाओगे, और अच्छा सोचोगे शिव शंकर सुंदर सुंदर तो आपके लिए अच्छा मन के अनुकूल घटना घटेंगी, खुशी रहोगे। ये बात अगर पूरे गाँव वाले सुन ली, सब अधिकारी ऑफिसर पढ़े लिखे विद्वान सब निहाल जाए, और वो व्रत करने के मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, जो करेगा सो भरेगा, न पत्नी का सोचूंगा, न बेटे का सोचूंगा, न भाई का सोचूंगा, न पड़ोसी का, न किसी संबंधी का, आज से मैं बिल्कुल किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, भगवान सबको सदमति दे, सबका भला सोचूंगा, हेलो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों कि आपका मन साफ हो गया, साफ हो गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो मन साफ हो गया तो इसको कहा है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाढ़ न बांका कर सके जो जगबरी हो,
कहते जिसको साईं रखता परमात्मा उसको कोई मार नहीं सकता, क्यों कि उसके मन में बुराई है ही नहीं, तो जो उसका बुरा चाहेगा उसी का उल्टा बुरा हो जाएगा, उसका कोई बुरा नहीं, चाहे पड़ोसी कितना ही बुरा सोचो, रिश्तेदार कितना ही बुरा सोचो, गाँव वाले कितना बुरा सोचो, उनका बुरा होगा आपका नहीं, क्यों आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं, आपका मन साफ है। तो आपने मन का साफ करा, ये सत्संग होगा, बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामायण में लिखा हुआ है कि बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा, विवेक ज्ञान, क्या ज्ञान कि सही क्या गलत क्या है, बिन सत्संग विवेक न हो ही, फिर आगे कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब यह सत्संग हो रहा है नदी को तो पड़ी आ ही नहीं सकेगा, जिसके शुभ कर्म नहीं है वो सुन नहीं सकेगा सत्संग, भाग जाएगा, कोई काम हो जाएगा, आएगा नहीं सत्संग के दिन, को बड़े भाग हूँ तो आपके को शुभ कर्म, पांचों ग्रह शुभ हैं आज, कहते नहीं मेरे ये जितने ग्रह हैं मेरे भले में सबका सब, तो फिर आप आए तो बात सुन रहे हो। तो सोचने के लिए एक ही बात है बेटी और भाइयों, क्या इस लोक में सुखी रहना चाहते हो तो आपने संकल्प को ठीक कर लो। अभी मैं चला जाऊँगा तो बात भूल जाओगे, तो ये बुक लेके आया हूँ आपको, पाँच पाँच सात सात आठ आठ दस डिगुआ पढ़ो, और पढ़ने के बाद खूब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ने के बाद दूसरे को दे दो, दूसरे को दे दो, वो आपका पुण्य हो जाएगा, ज्ञान का दान हो जाएगा, उस घर में शांति आएगी, वो आपको मिल जाएगी, शेयर होल्डर हो जाओगा। तो वो पुस्तकों को ऐसे नहीं डालना आड़े बिराड़े में, बच्चों को ऐसे पढ़ने के लिए मत देना, वो तो पढ़ता कहते बाबू जी पढ़े देखे ना आप पढ़ लो क्या प्रिंसिपल आप लेक्चरार हो, हाँ आप पढ़ो इसको किताब, वो धार्मिक आदमी पढ़ेगा उसको ज्ञान होगा, वो पुण्य आपकी तरफ जाएगा। यानी यहाँ तो आज ये जो बता रहा है रामदास, रामदास की तरफ जा रहा है पुण्य, रामदास ने कहा भी हमसे इतना काम करूँगा, तेरे जो नियर और डियर उनको सत्संग में बुला लो, लेकिन उसको तू ऐसे करेगा 8,000 रुपये का एक बंडल आता है, 10-15 रुपये पुस्तक हैं ये, तो वो पुस्तक बांटेगा, बोले जी मैं बांटूँगा, और उनको प्रसाद बोले जी मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ करेगा तो ठीक है, इसलिए मैं आके दे रहा हूँ। तो रामदास बांट रहा, मैं नहीं बांट रहा हूँ पुस्तक, नहीं मेरा कोई पैसा है, न कोई मेरा आश्रम है, मैं गृहस्थी हूँ आपकी तरह से, आप लोग हैं और बाल बच्चे सब गृहस्थी नौकरी आदमी, हम नौकरी पैसा करने वाला, सेना का ऑफिसर हूँ, सेना में नौकरी करी है काफ़ी दिन, पहले युद्ध में गया था 1940-45 बर्मा में रहा हूँ, और अभी 93 साल की उम्र होगी, मेरी चलने की हिम्मत चला नहीं जाता, लेकिन गुरु जी ने कहा था मेरे बेटे बेटियों को ज्ञान दे जाना सच्चाई। एक दिन मैं बोला महाराज कोई सेवा करूँ क्या, बोला आपके लिए ये सेवा नहीं मेरे लिए क्या है, तेरे लिए ये सेवा कि मेरे बेटे बेटियाँ ज्ञान में दुखी उनको ज्ञान देना सच्चाई से। अब जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं चल सकता हूँ तो मैं आता हूँ और वो ज्ञान देता रहता हूँ, यहाँ भी देता हूँ, विदेशों में भी देता हूँ, मेरी वेबसाइट चलती है जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, यूट्यूब पर लगा दो captainlalchandji.com तो मेरे सत्संग आ जाएंगे सैकड़ी बयानी से चलते हैं, नए नए सत्संग मैं जो देता हूँ, और अगर आप ये लगा दे तो hazoor captainlalchandji.com तो मेरे सत्संग UK के अंदर एक डॉक्टर हैं अमित चावला वो चलाते हैं, तो उनके साथ मेरे गुरु जी का वो सत्संग आ जाएंगे आपके पास, वो आप देखिए मतलब नेट पर हूँ, कोई किताब मेरी चाहता है तो इंटरनेट पर किताब पढ़ लो, वो लगा दोगा www लगा के safedkamal.com तो मेरी 16 पुस्तक आ जाएंगी उसके ऊपर, और वो सेव करके पढ़ते हैं विदेशा में सब लोग, और वो पढ़ जाते थे, तो मैं तो जाने के बाद में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये किताब मिल जाएंगी ये, और आप उससे इंटरनेट से ले सकते हो, इसके अलावा बाद में अगर बिल्कुल आसान लेना चाहते हो तो ये बैठे मनोज सिंगल, ये जो बैठे आचार्य मेरे, ये काम कर रहे हैं दिल्ली का, इसने बुलाया है मेरे को, ये कराते हैं काम, ये दिल्ली का काम ये करें, बुक चाहिए तो इसे बुक मंगा लो, इसके बाद लाइब्रेरी है घर के अंदर, मेरी पुस्तकों की लाइब्रेरी घर भरा पड़ा इसका, और ये इधर देता है इधर के लोग, और उधर डॉक्टर कमला जी ये सत्संग देती हैं, और जाता हूँ जयपुर में कुछ जयपुर में देते हैं, कोई बीकानेर में देता है, अलग अलग सब जगह लोग दे रहे हैं, तो वो आप घर बैठे पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरी बात बता नहीं सकूँगा आपको, टाइम इतनी है ना मेरे पास में, तो दुख क्या है आपके घटिया सोच का है, आज से आगे व्रत कर लो 1,000 व्रत के बराबर एक है, जो आज तक आपने व्रत करे सबसे ऊपर की कि मैं किसी का बुरा नहीं कहूँगी, नहीं तो जबान से किसी को बुरा कहूँगी और न मैं मन से किसी का सोचूँगी, और मेरी सास ने जो कुछ किया मैं माफ़ करती हूँ, उनको पता नहीं था बूढ़ी औरत थी, भगवान माफ़ कर दे मेरे को, मैंने जो कुछ कहा तो सुनो किसी को कहा तो मुझे क्षमा करो, मैं माफ़ी बताती हूँ और मेरे वापस जाओ, तो ये आज से साफ कर लो मन का, किसी का बुरा मत करो, कोई तो आपका बुरा करता तो सह लो उसको, सहने का नाम तप है, कैसे सह कि इसको ज्ञान नहीं, इसका संस्कार ही बेचारे, कोई आपकी चीज़ चोरी कर ले गया तो आप सुन दो ये आए चोरी करने बेचारा, कोई झूठ बोलने के लिए आया है, कोई निंदा करने के लिए आया है, जो कर्जे का लोग है नहीं तो कर्जे का लोग है, इसलिए माफ़ कर दो और उनको, और आप अच्छे विचारक और घर में स्वर्ग बना लो, स्वर्ग नाम सुख और नरक मानी दुख, जब आप खुशी हैं हंस बोलते हैं सब खुश हैं, अच्छा खाना बनाते हैं प्यार शेयर करते हो सबसे,
तो स्वर्ग मोह, और जब आप चिंता करते हो, फिक्र करते हो, गुस्से से बोलते हो तो नरक मोह, एक दूसरे नाराजगी। तो हमने नरक बढ़ा रखे हैं घरों को, स्वर्ग एक ऊपर भी अलग पहले इधर का स्वर्ग बढ़ा लो, इसको मनुष्य शरीर मिला है तो प्यार से रहो, सबको चाहो और इच्छा करो वो चीज़ मिल जाएगी आपको, जो आप इच्छा करोगे चीज़ की वो मिल जाएगी आपको। कहाँ क्या इच्छा करो, कहीं ज़्यादा दाने की जरूरत हो, टीकी लगाती हो ना यहाँ पर रेडी, इस जगह ध्यान कर लो, इस जगह ध्यान करिए, जिस चीज़ की इच्छा करोगे धन की करोगे धनवान बन जाओगे, और घर और करोगे तो मकान की करोगे मकान बन जाएगा, दुकान करो दुकान मिल जाएगी, क्या चाहते हो वो मिल जाएगा। आपकी इच्छा में इतनी शक्ति है कि सोचोगे वही होगा, एक बुरा सोचोगा तो बुरा हो जाएगा। तो बुरा सोचने वाली बात तो दो काट कि बुरा मैंने किसी का सोचना ही नहीं है, अच्छा अच्छा सोचो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो सब कुछ हो जाएगा। ये सत्संग दे रहा हूँ आपको, तब आप आगे डाल सकोगे। जो अगली बात बताना चाहता हूँ वो ये बात आप हो खुद से आप हमेशा, तब तो मेरी बात सुनोगे आगे की बात आगे मिल जाएगा कि चाहो तो जीते मुक्त हो जाओगे आप, जीते मुक्ति बना दे। कबीर साहब कहते हैं जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता हो। देख संगनो हुए मुक्ता मुए मुक्ति कहाँ हो, तीर्थवासी हुए न मुक्ता मुक्ति धड़ी से शब्द है। तो आप जीवते बेटी भाइयों मुक्त हो सकते रहो, कब पहले घर ने स्वर्ग बना लो, खुशी एक दूसरे से खुश रहो, बूढ़ी माताएं हैं उनकी सेवा करो, सुबह उठते ही बेटी चरण स्पर्श करो का माता जी आशीर्वाद दो, पहले जो कुछ मैंने कहा वो बात खत्म, अब मैं कभी रुसूंगी इनको नाराजी नहीं करूँगी, और पहले आपने जो कह दिया तो कुछ नहीं कहा, आप मेरी बड़ी माता हैं, आप ही तो कहीं हैं, मेरा माफ़ी मांग लो। सुबह के टाइम चरण स्पर्श करो, भाई लोग बैठे हैं सुबह उठो, आपका बाप है दादा है, चरण स्पर्श करो मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी दुकान सी चले, मेरे को आशीर्वाद दो मेरे को नौकरी लग जाए, मेरे को आप आशीर्वाद दो मेरा ये हो जाए, जो चाहोगे सो ही मिल जाएगा। कहाँ जाओगे, किस गुरु के पीछे बाजे फिरोगे, गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु वो हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, माँ बाप से आशीर्वाद नहीं लेता, चाहे कलेक्टर बन जाओ दुखी रहे जूता खाता रहेगा वो। मैंने ऑफिसरों को देखता हूँ ना जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो अफसर दुखी रहते हैं, सब तरफ दुखी रहते, नींद नहीं आती उनको, परेशानी में रहते हैं, क्यों कि वो माँ बाप को तंग करते, माँ बाप गुरु माता गुरु पिता। तो आपने माँ बाप को सुबह चरण स्पर्श कर लो, उठो चरण स्पर्श कर लो, कहो मेरे को आशीर्वाद दो तो मैं सुखी हो जाऊँ, और जो चीज़ चाहोगे वो मिल जाएगी आपको। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देंगे तो हम फलें फूलेंगे, और दुर्शीस लेंगे तो घट जाएंगे। तो दुर्शीस मत करो, नाराज मत करो, और नाराज हो जाए तो नाराज होने मत दो, मना लो राजी है ना, मैं नाराजी कुछ नहीं देखना चाहती, क्यों नाराज हो आप, मैं गलती नहीं करूँगा, आज तक माफ़ कर दो, यही भाई लोग आप कर दो। अगर अपने पिताजी से अपने बड़े जो ताऊ जी हैं अपने जो कुछ बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श करो, सुबह आशीर्वाद दे लो, जो मंदिर में जाते हो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो तो बात की बात है, उधर तो ईंट है, उधर मूर्ति है, ये जिंदी मूर्ति बैठी है, उसका बदला दे ही नहीं सकते, माँ बाप कितनी उम्मीद से हमको पढ़ाया है, अगर उनको जो हम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं ले सकते क्या उम्मीद करते हो आप, मेरी बात आई है समझ आप। तो घर के अंदर ही है कि घर के अंदर चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है, तो घर के अंदर पहले करो, सुबह सुबह चरण स्पर्श करो, बेटियों को बता दी आज से आगे व्रत कर लो कि सुबह सास को चरण स्पर्श करूँगी, और ज़्यादा बूढ़ी है शाम के टाइम पर थोड़ी देर 5 मिनट पैर दबाऊँगी, और वो नहीं ज़्यादा उसका कपड़े धोऊँगी अच्छा फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास तेल वगैरह लाकर मालिश करूँगी कभी, और बाल बाऊँगी, और कोई आजकल महक आती है ना अच्छी महक दो रखाती हो तो महक रखो, दो बुढ़िया ने एक बो देते वो आज के लिए सूंघती रहती, समझेगी नहीं बात, वो तुम दोगे सो मिल जाएगा, गिव एंड टेक का से जो दोगे साथ से वो मिल जाएगा, सुख दे रहे हो सास को सुख मिलेगा आपको, दुख दे रहे हो दुख मिलेगा, जो साथ से देंगे वो मिलेगा, देते तो हम दुख रचाते हैं सुख। कबीर जिसको कह बाए पेड़ बुबुड़ के तो आम कहाँ से खा, दिया तो दुख सास को दुख दिया, बाप को दिया, माँ को दिया, जोरानी को दिया, जिठानी को दिया, और पड़ोसी को दिया, किसी रिश्तेदार को दिया, और सुख कहाँ से मिलेगा, तो जो देते हैं वो मिलता है बेटी और भाइयों, इसे देने सीखो, अच्छा चाहो सबको सुख दो, कोशिश करो अपने लेवल पर, घर के अंदर परिवार को सुख दो सब कुछ हो जाएगा, जो मेरे सुने फिर आप तैयार हैं, फिर अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो क्यों आपका मन साफ हो गया, जब मन साफ हो गया तो फिर आप साधन करेंगे, साधन बता दूंगा इधर से यहाँ से शुरू होगा और चोटी तक का साधन, क्या चाहते हो वो मिल जाएगा, जो कुछ इधर इधर दुनिया चाहते हो तो ये इधर पहले स्थान पर ध्यान कर लो, इसको सहस्त्राकार कहते हैं, हजार पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कहाँ है आपका मन है, तो यहाँ पर जो विचार करोगे वो विचार आपका पक्का हो जाएगा, और जब वो पक्का हो गया मन ठहर गया उधर एकाग्रता आ गई ध्यान बन गया तो अंदर से क्या होगा पीले रंग का तो प्रकाश दिखेगा, और जो टाली बाती है ना मंदिर में टन टन ऐसे टाली बाजेगी तो उसका मतलब आपका ध्यान बन गया। पर अभी जब गलत सोचोगे नाराजी से तो तकलीफ हो जाएगी, बहू का बुरा सोचोगे तो बीमार हो जाएगा, पति का सोचोगे तो बीमार हो जाएगा वो, क्यों आपके विचार में बड़ी भारी शक्ति, आप ईश्वरंश हैं, आपके विचार में इतनी शक्ति है जितना ये गाँव है ना आपका भादरगढ़, ये आपके विचार से बना हुआ है,
दिल्ली पूरे विचारों से बने हैं या इंग्लैंड वगैरह तो विदेश से विचारों से बने हैं। आदमी के विचार में शक्ति है, आपको पता नहीं आदमी को, आप समझे कि नहीं। तो आपके विचारों में बड़ी भारी शक्ति है, तो विचार कैसे रखो, शिव संकल्प वस्तु सुंदर विचार रखो, आपको सुख मिले और जिसके सोचो उसको सुख मिले। ये सत्संग की बेस बता रहा हूँ था, ये पहला दर्जा है। जब ये चीज करोगे जब तो कामयाब है, हम लोग आगे जा सकते, नहीं आगे नहीं जा सकते, चाहे राम राम करते रहो, क्या मतलब कुछ नहीं, वह अलग मामला है। तो आपको पहले जो स्टेज बता दी, घर सुख बसया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। नानक देव जी कह रहे हैं कि जिसके घर में सुख है उसको सब जगह सुख ही सुख है, और जिसके घर में कड़े है उसको सब जगह तकलीफ आएगी। तो घरों को सुरख बना लो, और आप बेटियां खास करो, अगर आदमी कहीं से आया है, दुकान से आया है, मकान से आया है, दुकान में तरह तरह के आदमी आते हैं, तो उसके विचार आए तो गुस्से में आएगा, किसी ऐसे आदमी का दर्शन करें जिसे गुस्सा है, तो आप बोलो जी दुख तकलीफ मत पाओ, दो चार कड़ी बात कर सुन लो, और सुन के कह दो एक दो और कह लो आपका जी सोरा हो जाओ, तो एक दो बात और कह लो जिसे आपका जी सोरा हो जाए, चिड़ो मत उससे, रहने तो आपने इकट्ठा है, उसको होश नहीं है, वो गलत रेडिएशन ले क्या, कोई ऐसा आदमी आया करो दी उसके उसके दर्शन करे, उसके क्रोध बढ़ गया आई ना सुन। तो आप लोग एक तो ये विचार कर लो कि घटिया नहीं सोचना, सुंदर सोचना, और पहली सोचे आप उसको भूल जाओ, माफ़ कर दो। एक पुराना गीत है, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में, या दुनिया नशे में है और वो कुट पटांग बात कह जाते हैं, कोई वो रिश्तेदार हो चाहे घर में हो। तो सुखी रहना चाहते हो तो आज के सत्संग की बेस ये है कि पहले आप अपने घर को संवारो, अपने मन को साफ करो, और प्रेम चार दिन की जिंदगी, कल का भरोसा नहीं, रात को सोए सुबह का कोई भरोसा नहीं है, और पागल हो रहे हम दुश्मनी करते हैं, उसका ये हो जाए ये हो जाए, कितनी बुरा बुरा सोचते हैं। तो आज से आगे किसी का बुरा नहीं सोचना, करेगा सो भरेगा, जो जो सोचेगा वो खड़ा खोदेगा वो गिरेगा। आपने सबका भला चाहना है तो पहले अपने घर का भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने रिश्तेदारों का भला चाहो, अपने पड़ोसियों का भला चाहो, और फिर मनुष्य मात्र का भला चाहो। सब मनुष्यों के अंदर परमात्मा है, और सब सेवा करने करें सब, किसकी, मनुष्य की, मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। ये जो हम कर रहे हैं सुबह शाम तक सब हैं, एक मित्र बाहर रहा गली को, तो गली को बाहर रहा वो मनुष्यों की सेवा कर रहा है। अगर गली नहीं बाहरेगा तो इतना कूड़ा चढ़ जाएगा, अगर सड़क नहीं बाहरेगा तो मोटर नहीं चलेगा वहाँ पर, वो भी सेवा कर रहा है। एक IAS अफसर वो भी सेवा कर रहा है, कलेक्टर भी सेवा कर रहा है, जज भी सेवा कर रहा है, न्याय कर रहा है, सब सेवा कर रहे हैं। आप घर के अंदर सेवा कर रहे हैं, पति बाहर कमाने जा रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास खाना बना के खिलाते हैं, अच्छी तरह से मन लगाई खाना बनाओ, भोजन बनाओ, भोजन ऐसा बनाओ कि खुश हो जाए खा के, सीखो नाता सीखो, अच्छा खाना खिलाओ, उनको खिलाओगी तो आपको भी मिलता जाएगा, और तो सोचोगे ठीक अपने परिवार का भला चाहो। कोई रिश्तेदार आए कि जी चाय पी के जाना, ऐसे नहीं जाना, चाय पी के जाना, खैर आजकल होटल सिस्टम है शहरों के अंदर कोई देंगे, पर फिर भी जो आता वो कहेगा मेरे को चाय की कही थी। कहने का मतलब यह है कि आप जो अच्छा सोचोगे वो तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगे, और जो गुस्से से ईर्षा से द्वेष से नफरत से बुरा सोचोगे वो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगा। दुख है मन के प्रतिकूल घटना घटने का, और सब साथ घटनी है, और वो अपने कर्मों का चक्कर है, कौन से दिन का ये पता नहीं। तो बात मेरी समझ गया, दुख क्या है, घटिया विचारों का फल है, और सुख क्या है, अच्छे विचारों का फल है। तो हमेशा अच्छा तो बोलो, अच्छा सोचो, आई ये समझ। अरे घर के अंदर सुर्ख बना लो, घर को हमेशा हंसता रहो, समझ फिर मुँह सुधारे मत रहो, कहीं गाते मुँह सुधार के, मुँह सुधार के मत रहो, और कोई मुँह सुधारता भी है तो राजी कर लो, किसी की सास की आदत है, बात चढ़कड़ों का स्वभाव है, बूढ़ी है तो वह गलत सोचेगी, तो बोलो नहीं माता जी आज नाराज है आप, बता दो मेरे को किसी से नाराज, और पहले तो नाराज होगी नहीं, अगर आप उनके कपड़े धोगे, उनका अच्छा नहाओ धोओगे, बुढ़ापे की उम्र है उसको अच्छी तरह रखोगे, अच्छा खाना खिलाओगे, मीठा बोलोगे, सुबह चरण स्पर्श करोगे तो वो आपसे प्रेम करेगी, आप समझे कि नहीं। तो सबकी सेवा करो, प्रेम करो घर के अंदर, चार दिन की जिंदगी प्यार से जी लो, कल का भरोसा नहीं है। भाई हो तो अच्छा भाई बनो, भाई भाई से बोलता नहीं तो क्या करता, बुरा सोचता है वो, अच्छा थोड़े सोचता है, उसको भाई का पता ही नहीं है, अरे भाई तो बाजू होती है, भाई कुछ भी कह दे कोई बात नहीं आया है। तो आप क्या करो कि उनके लिए अच्छा सोचो, सोच को अच्छा बढ़ा लोगा तो आप आगे के लिए चल सकते हो, कोई आपके मन के प्रतिकूल घटना नहीं घटेगी, और आगे के लिए आपका शुभ कर्म बन जाएगा। एक बात समझ गया, तो आज पहले बता दूँ क्या है, घटिया विचारों का फल कौन सा, जब आप रूस जाते हो नाराजी से, और काम करते जाते हो मन मन सोचते जाते हो, पति ने थोड़ी सी बात कह दी कुछ नाराज होगी, या सास ने कुछ कह दी नाराज होगी, या बहू ने कुछ कह दी नाराज होगी, तो नाराजगी को निकाल दो, बस चल बात खत्म, नाराजगी किससे रखो, मतलब जो करेगा सो भरेगा। जब नाराजगी निकाल दी तो आपका मन पवित्र हो गया,
किसी का बुरा चाहते नहीं आप, कि सभी परमात्मा के अंश ईश्वर अंश हैं, ईश्वर है इसके अंदर, और गलत काम कर रहा है तो बोलो बेचारे कि इसके बस की बात नहीं, कोई अशुभ कर्म है, ये परमात्मा इनको सदमति दे तो अच्छा काम करे, ये नहीं कि वो मर जा, ऐसे सोचो। आगे बात समझ, बात छोटी सी है, बस विचार को बदलना है। आज का सत्संग मैं दे रहा हूँ, विचार शुभ अच्छा रख दो, काम करते हो उस काम के अंदर मन लगा दो, पूरा मन लगा काम करो, सिद्धि मिलेगी आपको। दुकानदार हो तो सुबह जाने के बाद दुकान की काम करो, शुभ लाभ शुभ लाभ, ये हेरा फेरी इधर उधर किया आजकल तो चला वो मत करो, फर्टिलाइजेशन करोगे क्या मिलेगा, ईमानदारी से काम करो। और ये सोचो कि क्या चीज़ लाऊं जिससे मेरी चीज़ बिके, क्या भी चीज़ की मांग है यार बोले आओ, वो भी सेवा जनता की, अच्छा बिहार रखो, एक ही चीज़ का पैसे लगाओ, ये नहीं कि एक से ज़्यादा लगा लिया एक से कम ले लिया, तो वो तो देख है पास ही, वो तो पास ही आपके परमात्मा, हेरा फेरी हम करते हैं वो तो हम समझते कौन देखता है, वो देख तो पास ही है, वो बोला वही तो है, आप समझते परमात्मा तो यहाँ है नहीं, मूर्ति तो है नहीं जिसको मानता हूँ, तो वो जो बोल रहे हैं अंदर वही है, आप ईश्वर वो है आपके अंदर है, वो शब्द आप चीज़ देख रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो किससे बेईमानी करोगे, किससे राजी करोगे, कि सबके अंदर वो है, आप समझे ना बात। तो अगर बेटी और भाइयों मेरी बात समझवा गई तो पहली स्टेप है सत्संगिया, ये पहली स्टेप है। अगर ऐसा आपका घर में शांति है फिर सत्संग सुनो आप। सत्संग के लिए क्या है कि आगे के रास्ता है कि ये आदमी चाहो तो सदा के लिए अमर हो सकता है, एक पे एक आदमी चाहो तो धनवान बन सकता है, मकान बड़ा कुछ भी बनाओ आप, जो सत्य मन से चाहोगे वो बन जाएगा। घर में शांति है, कड़े नहीं है, सब एक एक पर काम करते हैं, अपनी अस्थि से ज़्यादा खर्चा मत करो। लड़की को जाते हो तो ये नहीं राजा जनक मत पढ़ो, सब अपनी अस्थि से खर्चो करो, अस्थि जो आमदनी है ना अपनी जो अस्थि उससे ज़्यादा लोग दिखाई दे खर्चा मत करो, अपने पास है उसी के अंदर कर लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 मत खर्चो, गृहस्थी हो आप भाई, थोड़े से हम काम चलाओ, बैलेंस रखो हर चीज़ के लिए। आइए समझ बात, एक मजदूर अगर 300 रुपया लाता है तो पूरा 300 खर्च नहीं करे वो, या 400 लाता है तो पूरा नहीं करे वो, 100-200 रुपया बचा के रखे और मजदूर की तरह अच्छी तरह रहे वो, रोटी अच्छी खा। तो आपने अस्थि सर, एक मजदूर है वो चाहता है, सात पड़ोसी एक अफसर है वो अफसर की तरह रहता है, उसकी तरह दुख पाएगा वो, कर्जा लेके खा जाएगा, देगा नहीं, कर्जा वाले मांगते रहेंगे। अपनी अस्थि से करो, आप बोले कैसे कर सकता है, ये सवाल हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं आजकल समाज में रहते हैं, यही कहोगे ना, समाज वाले मानते नहीं जी, लड़की शादी करते मानते नहीं जी, लड़के ही मानते। तो भाई मेरे को बात ये, गुरु जी के संगत से बात का पता चल गया कि अपनी अस्थि से खर्चा करो। मेरे में दूसरा युद्ध का आदमी हूँ, सूबेदार की रैंक थी उस टाइम पर, पहले जब मैं भर्ती हुआ उस टाइम बड़ी, और अंग्रेज अफसर होते थे, तो मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। गुरुजी ने एक दिन कहा कि अपनी अस्थि से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, कर्जा ले के मत करना, कोई चीज़ कर्जा ले के काम करते हो नहीं करना, तेरी पास है उसके मुताबिक कर लेना। मैं वैसे करता रहा, मुझे आज तक कोई रुपये की जरूरत नहीं पड़ी कभी, ये मंदिर का काम कर रहा हूँ, इसका किताबों का अपना आप अच्छे स्टेट खरीद, मैं भेज दूँ 2 लाख रुपया, लाख रुपया भेज दूँ, क्या करूँगा भाई, नहीं आप बरते मेरा आश्रम नहीं है, तो आप गरीबों को दे देना, मैं गरीबों को आप ही दे देना, मैं बूढ़ा आदमी कहाँ देता फिरूँगा भैया, आप इस उम्र के अंदर आप ही कर रहे हो, तो क्यों रुपया खा रहे लगते हैं। मैं समझ गया रुपया से क्या है, अच्छे हैं, खाने की तो मेरे पास कमी नहीं, और बाकी मैं करना क्या है, बुढ़ापे की उम्र 93 साल की उम्र होगी मेरी भी, है नहीं समझ। तो फिर अभी सुनिए, सामाजिक संस्कार कैसे किया, मैंने सुन लेना बात। मेरे और मेरे भाई के 13 बच्चे थे, मेरा भाई फौज में हौलदार था, मैं सूबेदार की रैंक चाहे बात कैप्टन मन की पेंशन आया, तो ब्याह शादी करने लगा, तो मैंने सोचा अपनी अस्थि से करूँगा मैं, तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई अच्छी दे दी सब कुछ, ब्याह करने के लिए रखा भाई, मैंने कितने का आदमी लाऊँ, बोले जी थोड़े आदमी लाऊँ 10 एक लियाऊँ गया, बोले जी नाल कर दो 10 जाओ, तो क्यों जाट हूँ इस इलाके का हरियाणा राजस्थान का, तो जाट किया खाणूँ तो चावर खुआ कौन चावन, फिर आप तो लेना चाहो मेरे को रुपया दे दें और देना को चावन, तो वो कहते जी थोड़े से लियाना, मैं 10 लियाऊँ 10 जाओ, 10 आदमी को चलाया सुबह ले गया, दिन में फिरा करके वापस लिया। आ लड़की वो आई तो पढ़ी लिखी लड़की थी, आते नौकरी लगी, कोई लेक्चरार कोई टीचर कोई प्रिंसिपल है, सब लड़की लड़कियाँ सबका सब, और अगले से रुपया नहीं गया, अगले का 1 रुपया दोगे आप बस, और लड़की का ज़्यादा बेस ब्याज को मत देना, अगर देते हो तो चुप दोगे, 5-4 देना चाहते हो सगी को तो चुप बांध के दे दो, गांठड़ी चल जाए दिखाना नहीं करना, बिल्कुल 3 है तो 3 दे देना, 2 है तो 2 देना, 1 है तो 1 देना, अन्य तो बिल्कुल जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है बिल्कुल, ऐसे ब्याह कर लिए। 13 बच्चों का ब्याह कर लिया, सुनार के पास नहीं गया, सुन लो, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग दिया हुआ था कि अस्थि से ज़्यादा मत करना, सुनार के पास सोने की चीज चाहिए, सोने की गालनी चाहिए, और सोचे कैप्टन साहब हैं बहुत बड़े आदमी हैं कि तो हम ये गालें और ये गालें, बहू को आठ गालें, वो गालें ये गालें, तो मैं क्या कर सकता था। मैं कहा अगले को भाई कोई बात नहीं है,
जो मेरी लड़कियाँ ब्याह शादी करता हूँ उसका कांटा वगैरह इतनी वो मैं करा दूंगा, आपकी लड़की पढ़ी लिखी तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, टीचर हैं कहाँ लोग कर्म लिखते रहेंगे जो सामान को, तो क्यों सोना चांदी शेयर करे ना अपने पास है ही बराबर है तो ऐसे कर लेना। तो मैं सुनार के पास जुए की मुंडली कराने के लिए नहीं गया और ब्याह कर दिया उनका गरीबी हालत में, और खुशी हुआ तो वो सब खुशी है प्रेम सिंपल कोई रखा है। अब सुनार की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे को गुरु जी की बात लगी थी कि अस्थि से ज़्यादा खर्चा मत बना, बड़ा आदमी मत बना, तेरी अस्थि है उसके मुताबिक खड़ा, मैं अस्थि के मुताबिक खड़ा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। 13 बच्चों की शादी करी, किसी जार से मैंने ये नहीं चाहिए पैसा, एक पैसा मेरे आराम बिल्कुल अपना बिल्कुल मेरी नीति साबित, और साबित नीति का फल ये को कोई तकलीफ नहीं, काम करता हूँ खुशी हूँ। 93 साल की उम्र में जाता हूँ आप लोगों को दर्शन करने आ जाता हूँ सत्संग के लिए, घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्यों समस्या का काम ही नहीं करा। अगर मैं ही उनको जेवर के डालता तो मैं एक ही तो कमाऊ था, भाई तो कमाता नहीं था, भाई की आदत थी पीने पाने की थी, सेना का हौलदार पीता था, लोगों को पिला देता था, पैसे बचाता नहीं था, तो उसके बच्चों को मैंने पढ़ाया, दो नहीं रखा, भाई का अलग मेरा अलग, मैंने पढ़ाया उनको लड़कियों को लड़कों को पढ़ाया, उससे शादी कर दी, तो मैं खुशी हूँ भी। तो आपको मैंने ये नमूना इसलिए दिया है कि मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी अस्थि सारू कर लो, आगरा कभी देखो ऐसे करोगे तो हम कर देते हैं। शेठ जी बता दो, फेठ जी मेरी इतनी पेटी लगाने की इच्छा है, इतना लगा सकता हूँ, करो ज़्यादा माल तो ले लो, तो लड़की को कहीं नहीं जाएगी, लड़की का भाग है उसी जगह मिल जाएगी, वह लड़की नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा, लड़की तो जाएगी घर में, जिस घर में लड़की देते और वो भाग लेके आई तो उसमें हो जाएगा, वो मालो माल हो जाएगा, कोई बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और जो लड़की कितना तुम देते हो और खोटा कर्म है तो कोई घाटा में लग जाएगा, इसलिए किसी कर्म का फिक्र मत करो, अपनी अस्थि सारू खर्चा करो, अपनी जो पोजिशन है उसके मुताबिक ऐसे ही मकान बना लो, ऐसे ही रहो और खुश रहने की बात करो, खुश हमेशा। जब तो आप धन हैं, आपके पास 2 कमरे हैं, इतने खुश हैं घर वाले, रूसने का नाम जानते, सब खुशी हैं, एक दूसरे की तरफ देख के खुश हैं, तो समझ लो आप एक करोड़पति के पास कोठी है बहुत बड़ी और वो रूसे रहते हैं उनसे लाख दर्जा बेहतर है। अरे बात तो खुशी की है, अगर 2 कमरे में रहे खुशी पहली, महात्मा कहाँ आजकल महात्मा क्यों पकड़ा जा रहे हैं, ये तो पैसा इकट्ठा करके आश्रम बना रहे हैं, करोड़ों रुपये ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हैं, महात्मा तो बोल रहे थे जंगल में रहते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, ये जो फिर पकड़े जाते हैं गलत काम करते हैं, कैद होती है इनकी, महात्मा का क्या मतलब पैसे का, आप मेरी बात समझेंगे नहीं। अब ये पुस्तक में दिखाई है, लोगों ने दिए पैसे, देने वाला एक मेरा गुरु भाई बोला जितने पैसे रहेंगे मैं दूंगा, UK में है जेसी गुप्ता, पैसे और उनसे मत देना, पर फिर भी लोगों ने पैसे दिया, कैसे सुप्रिंटेंडेंट साहब उसने दिया, इसने भी दिया, उन्होंने दिया पैसे और किताब छपते गए, कई लाखों करोड़ों रुपये किताब, लाखों रुपये किताब छपी पूरे देश में, सब जगह यूनिवर्सिटी में सब जगह घूमती फिर है, भी आपको दी जाएंगे, जो मेरा अनुभव था लिखा है तो वो आप पढ़ लेना, और 4 बार पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। और आदत क्या बना लो, शिव संकल्प वस्तु गटिया मत सोचना, आवेगा विचार, हमारे विचार हैं पीछे के बुजुर्गों के, वो आते हैं आएंगे, गटिया विचार आएंगे काट दो उसको, मैं क्यों सोचूं जो करेगा सब रहेगा, फलाने देश से क्या, उसके बस की बात नहीं थी, वो करना ही था बेचारे ने, सास ने कोई पहले कहा तो बोले इनको माता जी को पता नहीं था, बेचारी को भगवान माफ़ करे, खेलने को समझा कि नहीं, और राजी कर लो, अब से अच्छा बना लो, अब से टर्न कर लो, सास की दौरानी की जिठानी आप नाराज मत हो, आप मीरा जी कहती है ना जो तुम रूठो पिया मैं नहीं रूठूं रे, तुम्हारी प्रीत छोड़ मा दो कौन संग जोड़ूं रे, तो बेटियों रूठना नहीं है, 4 दिन की जिंदगी इकट्ठे हैं चले जाएंगे सब, किससे नाराजी नहीं होना, दौरानी नहीं बोले तो आप बोल दिया करो, ये आजकल बोलने को क्या बात है, बात करें जिठानी नहीं बोले तो बोल दिया करो, बाकी कुछ नहीं देता आप भेज दिया करो, मतलब किसी आप नाराजी मत करवा लो भाई, सबका तो नहीं ठेका ले, आपका तो ले सकते हो ना, आप किससे नाराज नहीं, पति से नाराज न, बेटे से न, भू से किसी नाराज नहीं, न किसी रिश्तेदार से, किसी मनुष्य से नाराज मत हो, आप भाई लोग बैठे आप मत होना, जो कोई पीछे होता रहेगा, आप बोलने बोला आप बोल दिया करो, आप छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो बड़े बन जाओगे, कहते हैं कि दाना खाख में मिलके गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, दाने को जो चने के दाने को नीचे डाल देते हैं नीचे मिल जाता है वो देखो बाद ऊपर होता है, तो जितना नीचा हो खिचलता है इतना ऊंचा होगा, तो है रहीम नड़ और नीर की एको गति जोर, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचा हो, तो जितना नरम होगा नीचा होगा उतना आप ऊंचा हो जाए, समझे कि मैं क्योंकि मैं है 2 दिन सांस बन रहा है हवा निकल गई, 4 दिन की जिंदगी से लोगों को प्यार से देखो इज्जत करो सम्मान करो, इज्जत आएगी, जो दूसरों का सम्मान करता है वो धनवान होता है, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
जो सम्मान करता है दूसरों को तो आशीर्वाद मिलता है, वो धनवान होगा, और जो दूसरों का अपमान करता है, बेइज्जती करता है, वो दुर्शीश लेता और निर्धन लेता पूरी उम्र। आइए समझ बात, तो सम्मान करना छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, बाबा जी आगे जाओ चरण स्पर्श करो, वो चरण स्पर्श करो, उनसे चरण स्पर्श कराओ, सिखाओ, खुद भी करो उनको कराओ, तो घरों को स्वरूप बना लो बेटियों, ये ना फिर आपको अगली चीज़ क्या चाहते मिल जाएगा, जो चीज़ आप चाहते हो मिल जाए, अपने मन ने साफ करो, पहली ध्यान करोगी तो वो जो गलत विचार वो भी बढ़ेगा। जब हम किसान हैं, खेत के अंदर गेहूँ भी है साथ साथ बथुआ भी है, जब पानी दोगा तो बथुआ भी बढ़ेगा और घास भी बढ़ेगा, गेहूँ बढ़ेगा, और घास और बथुआ को पहले साफ कर देंगे तो गेहूँ गेहूँ बढ़ेंगे। इसलिए आप पहले मन को साफ कर लो और फिर इच्छा करो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर बाकी किताबों में सबको लिखा है। और पूछना हो तो बेटियाँ डॉक्टर कमला है, इसके उसकी किताबों में नंबर है, प्राकथन मेरा भूमिका में, और इधर यहाँ पर इस गाँव के अंदर इधर ही आता है, ये काम करता है मनोज सिंगल जो है, ये काम करता है यहाँ पर, इसी पूछ लो। और कोई कुछ लेना चाहती हो, अब रामदास साहब नंबर पर आए हुए हैं, मैंने कहा भाई ये काम करेंगे, बोलो कैसे, वो 8,000 की किताब देंगे सबको, और तेरे नियर और डियर को बुला लेना, जो तेरे प्यारे हैं उनको बुला लेना और उनको किताब देगा, ऐसा ऐसा करो दूंगा, तो वो दे रहा किताब मैं नहीं दे रहा हूँ, वो पुण्य कर रहा, वो पुण्य का मतलब सब अपने भाइयों को दे रहा था कि सब घरों में शांति आवे। ऐसे आप जो सत्संग कराना चाहते हो तो बता देना, फिर सत्संग का पैसे वो ये थोड़ी खर्चा करवाता हूँ, खर्चा का मतलब आपके द्वारा ज्ञान का दान दिलाता हूँ, उनको घर बैठे बेटियाँ पढ़ें, वो मेरे पिता घर बैठे पढ़ोगे ज्ञान हो जाएगा। तो आज का सत्संग में बताया था कि मन के अनुकूल जो घटना घटेंगी वो तो मिलते था सुख, और जो मन के प्रतिकूल होता था दुख, और वो हम बढ़ाते हैं खुद, और हमको पता नहीं। हम जब बुरा सोचते हैं गुस्से में तो बुरा कर्म बन जाते हैं, अच्छा सोचते हैं अच्छा होता, तो अपने सोच को ठीक कर लो, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि के भंडार आप हैं। कैसे हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ चाहते हो सबको मिलती है, इधर ध्यान करके लो, ध्यान कौन कर सकता है जिसका चरित्र ठीक हो, हमारा चरित्र ठीक नहीं है क्या, नहीं है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए मेरे पोती दोतियों की सारी बेटियाँ बैठी हैं, पर वो गृहस्थ की बात है, हम गृहस्थ में जाते हैं गृहस्थ संतान उत्पत्ति करने के लिए है, ये रोज के लिए नहीं है, जो रोज के रोज गृहस्थ भोगते हैं तो शक्ति तो निकल जाएगी, गुस्सा आएगा, चरित्र स्वभाव हो जाएगा। अगर बेटियों को ये पता हो जाए, अपने आदमी को बता दे और आदमी को पता हो जाए तो बेटी को बता दे कि ये मरने के लिए थोड़ा ही साथी संतान पैदा करो, तुम चाहो संतान पैदा कर लो। एक किताब लिखी है मैंने सुखी जीवन का रहस्य, 60 पेज की है, अपनी बोतियों को दोतियों को बताओ बेटा ये पढ़े, तो चाहूँ इस संतान पैदा कर ले, तो चाहूँ तो राजा आ जाएगा, राजा बादशाह पैदा जाओ, मैं तो चाहूँ तो कुछ हो जाएगा, सत्य में से चाहते हो जाता, आपके विचारों में शक्ति है, सोचते वही होगा, हम गलत सोचते हैं तो गलत भी होता है, अच्छा सोचते अच्छा होता है, इसे गलत को काट दो, अच्छा सोचना। तो सत्संग की बेस मैंने आज आपको ये बता दी, अगला कोर्स है आपके अंदर, ये आप अपने आप को जानना चाहते हो तो मामूली बात है, अंदर से इधर ध्यान करो, इसके लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है थोड़ा साधन, इधर ध्यान करोगे तो पहले स्थान पर जो दुनिया की चीज़ चाहते हो वो मिल जाएगी, टीके लगाते हो धन चाहते हो धनवान बन जाओगे, संतान चाहते हो संतान हो जाएगी, मकान चाहते हो मकान हो जाएगा, क्या इच्छा करते हो वो आपकी इच्छा पूरी होगी, कर्म बन जाएगा, आज न होगा कल हो जाएगा, अगर आज जगह नहीं है कोई काम पीछे का ऐसा लेके आए हो तो कल आपको आपको तो मिलेगी। तो ये आपके अंदर शक्ति पहला स्थान, दूसरा स्थान ज्ञान का केंद्र माथा के बीच में है, ये ओम का स्थान कहते हिंदू, बीच में जो ध्यान करोगे तो जो ज्ञान आप चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। किसी को जानना चाहते हो, किसी का लड़का गुम हो गया 3 महीना से, और वो आप जानना चाहते हो उसके फोटो से ध्यान करोगे तो आपको ध्यान बढ़ते ही पता लग जाएगा लड़का फलन जी फलन मकान में बैठा है, आप समझे कि नहीं। कोई भी ज्ञान जितना भी है, शास्त्र वेद सबके सब ध्यान से आ जाते हैं, जो चाहते हो इसलिए, और अगर आनंद चाहते हो खुशी मस्ती तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान करोगे मस्ती आएगी, नशा रहेगा बंग खाड़ेगी, कोई मन काम नहीं करेगा, चिंता नहीं होगी, हंसता रहोगे हमेशा मेरी, और प्रतिदिन होगा सफेद रंग का प्रकाश आ जाता है, तो ब्राह्मणों का मंत्र है ओम भूर भवे स्व तत्सवित्र भर्गो देव से धीमयी धियो जो न प्रचोदया, ऐ मनुष्य तू जागते सुपना सुस्पति से आगे तो सूर्य है तुम्हारे अंदर, उसका ध्यान करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, ये ब्राह्मणों का है जो सदा के लिए तप करके ऊपर जाना चाहते, और वो आपके अंदर, और वो ये बाढ़ मिले इसके नीचे नीचे है यहाँ पर, तो ये यहाँ का है सिद्धि का काम, और जो प्रकाश देखते हो तो उसमें कोई चिंता फिक्र डर भर रही मस्ती कुछ भी नहीं रही, इच्छा करो पूरी होगी, सदा होना चाहते हो उसके लिए अलग बात, उसके लिए पहली दुनिया बढ़ाओ, सब सब कुछ है, फिर सोचते हो भाई मनुष्य से राधा हो फिर दुखी होता है, जब आपने ये समझा दुख तो आता है, तो सुख कहाँ है, सुख है कि जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाओ, जिस परमात्मा का अंश आप इधर आए हो वापस उसी में जाई मिल जाओ, और वो मिलने का तरीका क्या है, इसके आगे ध्यान होता है, तो बच्चे का ताड़ हुआ टिप टिप करता है ना,
इसका ध्यान करते हैं, इसको कहते हैं अलख निरंजन। साधु कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, यानी वो चीज़ देखी नहीं जा सकती, अनुभव कर सकते हो। ये जो बच्चे का ताड़वा इधर ध्यान करने से राम नाम की धुन आ जाएगी आपके अंदर, और साथ ही सुनने वाली चीज़ें बोले ये सुनती रहेगी। सुनते 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 चोटी के पास जब आएगी तो घर एक गोता मार जाओगे। कौन सा गोता? जैसे गहरी नींद में जाते हो प्राकृतिक तरीके से, आप रोजाना सबको गहरी नींद आती है, दिन का काम करे थकिए गहरी नींद में चले गए तो वहीं चले गए, और जब सुपने वाली बात नहीं गहरी नींद में, और फिर आओगे सुबह काम चढ़ाई वही काम करोगे, तो रात को आपने कोई टॉनिक थोड़ी पी थी, आप वहाँ चले गए। ये तो प्राकृतिक, और योग के द्वारा जो आप साधन करोगे तो इस तरह से साधन करोगे, चोटी के पास समाधि लग जाएगी। वो बाहर का गुरु आपको बता देगा कब तेरे कुछ नहीं करना, जीते मुक्ति का अनुभव करता रहा और काम करता रहा और चला जाएगा, उसके बाद उसी के अंदर मिल जाएगा। ये वो परमात्मा के अंदर मिल जाओगे, नहीं कहीं दुख न सुख तकलीफ कुछ है नहीं। तो ये काम आखिरी है, जीवते मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवते मुक्ति तब मिलेगी जब पर या दुनिया ठीक बन जाए, मन साफ हो जाए। अगर मन साफ नहीं है तो इसके लिए सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से होगा तो सत्संग मन दे जाए तो मैं तो रोजगार नहीं जा नहीं सकता, न मैं काम कर सकता। आप जाओगे वहाँ पर सब बैठे मिलेंगे, लाओ जो पैसे लाओ, आश्रम ऐसे थोड़े बनता, आश्रम का बेचारा काम करते पैसे चाहते, तो क्या करो आप? इसके लिए पुस्तक ले ली, पढ़े लिखे आदमी के लिए, आम के लिए, वो पढ़े लिखा देख लो, पढ़ लो चार बार पढ़ लो, कोई शंका नहीं रहेगी। फिर पूरी पुस्तक 16 पुस्तक है मंगा लेना, कम है क्या भाई? कैलेंडर है क्या? कैलेंडर भी दिया जाएंगे आपको, कैलेंडर में नेम है, अगर ये नहीं पढ़ सकते तो कैलेंडर के नेम याद कर लो और उस तरह तुम्हारा जीवन बना लो। उसमें तो लिख रहा क्या कैलेंडर में कि जब तक जीते हो तब तक काम करो, काम ही जीवन है, जीवन ही काम है। हमेशा आशावादी हो तो आशावादी निराश मत हो कभी, कोई बात हो बोले भगवान अच्छा करेगा, भगवान अच्छा करेगा, आशावादी। फिर एक आगा और बताते हैं, और कुछ है, कुछ है ऐसे करिए 36 नेम है, भाई नेमून याद कर लो और उसके मुताबिक रहना बना दिया, वो कैलेंडर देंगे आपको, आपको बच्चों को बता देना, आप रख लो उसके मुताबिक जून बना लो, खुशी रहेगी आप। कोई शंका रह जाती है तो बाद में ये सिंह रहा इसको पूछ लो, इसको पूछ लो मनोज कुमार को। आज के सत्संग मैंने बहुत कुछ बताना था आपको, ये मैंने कोर्स बता दिया, जरूरत नहीं थी बताने की, आप पूछने के लिए नहीं आए, मुक्ति के लिए नहीं आए। डॉक्टर कमला जी ने कहा कि इनको बता तो दो कि बाहर कहाँ जाओगे, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत कोई नहीं, किसी अनुभवी से पूछ लो, किसी अनुभवी कौन, उसको आप इच्छा करो वो आपके पास आ जाएगा। आपकी इच्छा में शक्ति है कि आपके घर ही आ जाएगा, आपका भाई का, आपका बेटा का, आपका पति हो आदमी को दिया होगा और वो आपको मिल जाए। सभी आपको पुस्तकें भी देंगे और साथ साथ जाओ तो पुस्तक पढ़ना, आपने ये पुस्तक ले जाके ऐसे नहीं डालना, पास ले जाओ और दूसरों को दो आगे, तब आपको इस सत्संग का फायदा होगा, नहीं कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप पढ़ो, आप पढ़ के दूसरों को दो, अपने परिवार को दो, नियर डियर को, पड़ोसी को दो, रिश्तेदारों को दो, हर एक को पढ़ने के दो किताबों को।